शेर कभी घास नहीं खाता है, कुछ भी हो सकता है, चैनल पे एक्शन भी आ सकता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है दोस्तों आपका फिर से इस चैनल पे। तो आज हम निकले हैं पटना के लिए, ये रहा अनुराग, उसके साथ बाइक है और हम आज जाएंगे दानापुर DRM ऑफिस। वहाँ पे अनुराग को बहुत सारा काम है, इस बहाने मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा। यहाँ पे आगे टोल बूथ है, ये है भागलपुर और पटना का। ये फिलहाल बख्तियारपुर तक का ही सर्विस है, अभी आगे अभी ये बन रहा है। ये है मीठापुर बस स्टैंड जाने का चौक, बहुत ज्यादा रश होती है यहाँ। यहाँ कितना रश है, हमें रॉन्ग साइड से जाना पड़ रहा है यहाँ पे। काफी ज्यादा रश है हमारे साइड में, इसलिए हम रॉन्ग साइड से जा रहे हैं। ठोक दिए भाई जी, कोई बात नहीं लगता है। ये गाइस मीठापुर बस स्टैंड, यहाँ पे पटना से भागलपुर बहुत जगह के यहाँ पे बसेज आपको मिल जाएगी। जहाँ का आप ढूंढिएगा वहाँ का बस यहाँ पे मिल जाएगा आपको। दिल्ली रांची का यहाँ पे बस आपको मिल जाएगा, मीठापुर बस स्टैंड है ये। पटना टू दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, कोलकाता, बांका, हर जगह के बस आपको मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत खचाखच भीड़ रहती है और यहाँ पे रश भी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपको नॉन एसी एसी दोनों बस यहाँ पे मिल जाएगी। आराम से भाई जी। ये देखिए पटना से दिल्ली का है, ये पटना से दिल्ली भाया मुजफ्फरपुर दिया हुआ था उसमें। यह आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय मीठापुर के पास ही है, जो अभी नया बन रहा है, पता नहीं कब उद्घाटन होगा इसका। इधर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये शायद ओवरब्रिज बनेगा यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये पटना जंक्शन से बस नियर 100 मीटर के आसपास होगा यहाँ पे। और हम अभी हैं चौक पे, अब हम यहाँ से यू टर्न लेंगे और निकलेंगे आगे बेली रोड की तरफ। काफ़ी ज़्यादा रश है इस चौक पे, हमें धीरे 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 यहाँ से निकलना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ। एक्चुअली ये टू वे है, उस साइड से भी गाड़ी जा रही है और इस साइड से भी गाड़ी जा रही है, तो इस चक्कर में यहाँ पे एक ही रास्ता है इधर बेली रोड जाने का। तो ऑफिस वाले इधर काफ़ी जाते हैं, तो उसकी भीड़ भी होगी यहाँ पे। काफ़ी लॉन्ग रूट में जाम है ये और काफ़ी लंबा जाम है। बस धीरे धीरे चलते रहो अनुराग। आएगा बुधमार्ग और बुधमार्ग से हम निकलेंगे बेली रोड। उस रास्ते में काफ़ी ज़्यादा रश थी, तो हमने थोड़ा सा यू टर्न ले लिया यहाँ से। आएगा बेली रोड में हम इन कर चुके हैं और यहाँ आगे आपको वोमेंस कॉलेज मिलेगा, ये साइड में, इस साइड में देख सकते हैं पटना उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। अभी हम बेली रोड में इन किए हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पे बिहार म्यूजियम भी है, यहाँ देख सकते हैं
और इसके अंदर वैसे एक्चुअली कैमरा अलाउ नहीं होता है, तो कैमरा लेके यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा। पर अटल पथ जो अभी नया बन रहा है, तो ये अभी बन के तैयार होने वाला है, ये काफ़ी अभी थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। फाइनली गाइस हम DMR ऑफिस दानापुर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमने बाइक पार्किंग लगा दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बाइक्स यहाँ पे पार्किंग में लगी है। DRM ऑफिस का यहाँ पे भवन है, तो हम इसके अंदर जाएंगे। अनलॉक जाएगा एक्चुअली, मैं बाहर ही जाऊँगा और यहाँ पे वीडियो बनाने का अलाउ नहीं है, बिकॉज गेट पे ही लिखा हुआ है, तो हम उसका पालन करेंगे। तो मैं कुछ बाहर का व्यू आपको दिखा देता हूँ। ऑफिस के अंदर ये पहले का इंजन लगा हुआ है जो बास से चलता था, उसका ये दृश्य है। ये एक्चुअली आपको DRM ऑफिस के इन करते ही मिल जाएगी और ये रास्ता है उसका DRM ऑफिस जाने का। मास्क लगाना अनिवार्य है। DRM ऑफिस दानापुर का, तो यहाँ पे अनुराग का भी काम था, अनुराग वापस आ रहा है काम करवा के। काम हुआ नहीं है यहाँ पे इसका आज, तो एक दिन और आना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं DRM ऑफिस से। फाइनली गाइस अनुराग बताओ काम हुआ आज? नहीं भाई नहीं हो पाया, एक दिन और आना पड़ेगा। हाँ एक बार फिर से आना पड़ेगा इसे, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट का कितना लोचा होता है, आपको इधर उधर टहलना होता है, बहुत ज़्यादा घूमने होते हैं, ये फाइल पे साइन करवाओ उस फाइल पे साइन करवाओ, कुछ खाया। तो फिर अभी कुछ खा पी के हम निकलते हैं, तो ब्लॉग में बने रहिए, मैं कुछ और भी आपको दिखाता हूँ। हम अभी DRM ऑफिस से बाहर आ चुके हैं। एक्चुअली DRM ऑफिस का हम अंदर का व्यू दिखा नहीं सकते, बिकॉज ये प्राइवेट है, कुछ भी हो सकता है, चैनल पे एक्शन भी आ सकते हैं, तो हम अंदर का व्यू आपको दिखा नहीं पाए। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं ATM के पास और यहाँ से पैसे निकालेंगे। ये है गाइस दानापुर से सगुना मोड़ का रोड, जहाँ पे हम अभी सगुना मोड़ की तरफ जा रहे हैं DRM ऑफिस से निकल के। यहाँ पे रुक चुके हैं ददन हांडी मटन होटल। यहाँ पे एक डायलॉग बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, शेर दिल वाले ही मटन खाते हैं, शेर कभी घास नहीं खाता है। तो ये है गाइस ददन हांडी मटन होटल, जहाँ पे मटन मिलेगा अभी हमें। तो यहाँ पे देखते हैं, पता करते हैं क्या मिलेगा हमारे लिए। सबसे पहले आपको मैं मेन्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे है और ये बन रहा है यहाँ पे मटन। तो गाइस ये बन रहा है यहाँ पे मटन, तो हम अभी बैठते हैं और खाते हैं। इधर रोटी का बंदोबस्त है, तवा रोटी है यहाँ पे, तवा रोटी है। हम यहाँ पे फाइनली होटल में स्टे कर चुके हैं। यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर दिया हम लोग? मटन और रोटी है, 3 पीस मटन रोटी और चावल साथ में हम खाएंगे। यहाँ पे थाली लग चुकी है, ये है मटन, ये उसके साथ में रोटी, यहाँ पे प्याज और ये अचार है, साथ में अनुराग का प्लेट लग चुका है, तो हम यहाँ से अब खाते हैं। आंवला का चटनी है, टमाटर, आंवला का चटनी है ये। सो फाइनली हम दोनों यहाँ पे खाने का टेस्ट ले रहे हैं। खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है यहाँ, यहाँ देख सकते हैं खाने का टेस्ट बताऊँ सही है, मस्त है। यहाँ पे 175 का है 3 पीस रोटी और चावल साथ। रोटी भैया? हाँ रोटी दे दीजिएगा। रोटी तो मटन मिक्स, अच्छा सॉरी मटन मिक्स कर रहे हैं। यही हांडी में डालिएगा, हांडी में डाले। इसमें क्या क्या मटेरियल दिए हैं? मटेरियल तो बहुत तरह के, अच्छा बता नहीं सकते हैं, बता देंगे तो सब आप सीख ही जाइए। नहीं 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 सही बात है, सही बात है। ये देखिए 11 रगन के कम से कम मसाला, 11 तरह का कलर है, मतलब मसाला मिक्स है इसमें, जीरा गोटी है, दालचीनी है, सब मिक्स है। अच्छा 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 अच्छा, और ये फिर इसमें घाड़े में डालिएगा? सभी सब घाड़े में पड़ रहा है, पहले से इसमें दिया हुआ है, तेल है, चपत्ता है, जीरा है, गोलकी है। अच्छा खड़ा खड़ा, और ये फिर इसको ऐसे डाल के उसमें चढ़ाइएगा, है ना? तो ये प्रोसेस गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, 11 तरह का इसमें मसाला मिक्स किया गया है और ये हांडी में ऐसे भर रहे हैं। ये भैया इनको देख लीजिए, और ये है ददन हांडी मटन होटल। ये है सगुना मोड़ और दानापुर के बीच में एक हाईवे पे एक रेस्टोरेंट है, वहीं पे है ददन हांडी मटन होटल। ये भैया ये बना रहे हैं मटन, मटन का यहाँ पे मिक्स है, मिक्स करके ये हांडी में डाल रहे हैं। और ये हैं शॉप के ओनर,
क्या नाम हो गया आपका? मंटू। मंटू नाम है इनका। हम लोग यहाँ पे खाना खा चुके हैं और होटल से हम बाहर निकल चुके हैं। ये सामने देख सकते हैं आप होटल, और यहाँ पे अनुराग बताएगा आपको इसका टेस्ट क्या कैसा था। टेस्ट अच्छा था भाई, आओ और खाओ। तो ब्लॉग में बने रहिए, अभी बहुत कुछ दिखाना आप लोग को बाकी है। दिस इज द फेमस पैलेस पंचमुखी हनुमान मंदिर बिहाइंड ऑफ माई स्क्रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पंचमुखी मंदिर है यहाँ चिड़ियाघर के आसपास। तो चलिए हम भगवान जी का एक बार बाहर से दर्शन करा लेते हैं। तो ये है गाइज हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर। तो यहाँ पे एक फेमस चाय वाले भी हैं, और ये है बेली रोड, इसके बिल्कुल बैक साइड में यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलती है, यहाँ पे चाय वगैरह भी आप पी सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे चाय पीते हैं। ये रहा अनुराग, ये है चाय, यहाँ पे चाय बन रही है गुल्लक में, ये है दूध, ये है चाय, और ये है अंदर चाय वाले में दूध चाय। टोकन लेना पड़ेगा कहाँ से? यहाँ से हमें टोकन लेना पड़ेगा चाय पीने के लिए। टोकन कटेगा चाय के लिए, चाय में भी टोकन सिस्टम है। और ये रहा चाय। दिस वन इज माइन एंड दिस वन इज फॉर अनुराग। तो हम साइड में यहाँ पे चाय पी लेते हैं। सो गाइस हम यहाँ पे अभी चाय पियेंगे, ये रहा चाय हमारा, और यहाँ पंचमुखी मंदिर के पास हम चाय पियेंगे, और इसके बाद यहाँ से निकलेंगे। वैसे टेस्ट तो काफ़ी मीठा है, ये आई थिंक शक्कर ज़्यादा इसमें डाला हुआ है। टेस्ट वाले के पास काफ़ी रस है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और अभी शाम के 5:15 हो चुके हैं, और हम लोग अब यहाँ पे निकलेंगे।